subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सहवाज। आप देख रहे हैं स्मार्ट एयर कूल सिस्टम। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एयर सेंसर और कॉइल सेंसर को चेक कैसे किया जाता है और कैसे पता करें कि एयर सेंसर खराब है या पीसीबी खराब है। तो आज हम लोग एयर सेंसर भी चेक करेंगे और पीसीबी भी चेक करेंगे कि कोई डॉट नहीं रहे कि पीसीबी से प्रॉब्लम हो रहा है या एयर सेंसर से प्रॉब्लम हो रहा है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए फ्रेंड, चेक करते हैं एयर सेंसर, कॉइल सेंसर और पीसीबी, ये तीनों चीज़ चेक करेंगे कि प्रॉब्लम किससे है और पीसीबी कैसे वर्क करता है और एयर सेंसर का रेजिस्टेंस कितना है, पीसीबी कितना वोल्टेज देता है, आउटपुट, वो सब हम लोग चलिए फ्रेंड चेक करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको दिख रहा है, मेरे पास एक पीसीबी है, एक मल्टीमीटर है, एक ठंडा पानी है, गर्म पानी है जिससे टेम्परेचर सेंसर का टेम्परेचर से हम लोग रेजिस्टेंस चेक करेंगे, और दो सेंसर है, एयर सेंसर और कॉइल सेंसर। तो सबसे पहले हम लोग एयर सेंसर चेक करते हैं। एयर सेंसर चेक करते हैं फ्रेंड, ये एयर सेंसर है। तो चलिए एयर सेंसर का रेजिस्टेंस पहले चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो पहले हम लोग इसको रेजिस्टेंस में रख के चेक किए तो मतलब 7 ओम बता रहा है, 7 ओम किलो ओम मतलब रेजिस्टेंस बता रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं बताएगा तो आपका सेंसर ख़राब है। अगर बताया तो सेंसर ठीक है, ये भी हम लोग कन्फर्म नहीं है। रेजिस्टेंस बताया तो इसको चेक करने का तरीका है फ्रेंड, सेंसर को आपको ये गर्म करना होगा, टेम्परेचर मतलब बढ़ाना होगा और टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। तो ये NTC टाइप का सेंसर है, नेगेटिव थर्मल कोफिशियंट ये सेंसर है फ्रेंड, ठीक है। अगर ये सेंसर को हम लोग अगर इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्म हो रहा है तो क्या है, रेजिस्टेंस घटेगा। और अगर इसे ठंडा करेंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि NTC नेगेटिव उल्टा होगा फ्रेंड इसका। तो अभी इसका हम लोग चेक किए तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस बताया 7.5 है। तो अब इसे हम लोग ठंडा करेंगे मतलब टेम्परेचर डाउन करेंगे तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। देखिए, बर्फ़ वाले पानी में इसे डाला हूँ, ठंडा पानी में। अब क्या है, अब इसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ना चाहिए। तो इसे मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए 18, 21, 22 ये बढ़ रहा है, मतलब ये सेंसर वर्क कर रहा है। अब मैं इसे टेम्परेचर बढ़ाता हूँ गर्म पानी में डाल के, तो क्या इसे डाउन होना चाहिए, ये डाउन हो रहा है, मतलब हमारा एयर सेंसर सही है, एयर सेंसर मतलब सही है। अब हम लोग कॉइल सेंसर को चेक करते हैं। अब ये कॉइल सेंसर का जैक है, कॉइल सेंसर को चेक कर उसी तरह चेक करना है। कॉइल सेंसर चेक कर रहे, रेजिस्टेंस कितना है, 6, 8 है कॉइल सेंसर। अब इसका भी टेम्परेचर अगर हम डाउन करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसको भी पानी में डाल दिए ठंडा पानी में। अब इस क्या है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए, 10, 12, 13 तो ये वर्क कर रहा है। अब इसे क्या करना है, इसे फिर अब इसका टेम्परेचर प्लस करना है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घट रहा है। इसका मतलब मेरा एयर सेंसर और कॉइल सेंसर दोनों सही है। तो इस तरह से एयर सेंसर और कॉइल सेंसर चेक किया जाता है। अगर इस तरह से वर्क कर रहा है तो एयर सेंसर कॉइल सेंसर सही है। अब हम लोग को चेक करना है पीसीबी। अब पीसीबी चेक करने के लिए फ्रेंड, पीसीबी के जो आपको दो टर्मिनल दिख रहे हैं, दो जैक दिख रहे हैं, जो हमारा सेंसर जिसमें लगता है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये दो जैक है, ये कॉइल सेंसर का हो गया, ये एयर सेंसर का हो गया। अब ये दोनों हम लोग चेक करेंगे कि ये दोनों में कितना वोल्ट आ रहा है। ये दोनों में DC वोल्ट 5 आना चाहिए, ये आउटपुट 5 वोल्ट DC देता है। अगर ये 5 वोल्ट DC दे रहा है तो पीसीबी सही, अगर नहीं दिया तो पीसीबी डेड है। तो चलिए इसे डीसी वोल्ट में हम लोग चेक करते हैं। डीसी वोल्ट में सेट कर दिया, पीसीबी को मैं ऑन कर दिया हूँ। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये आउटपुट कितना दे रहा है, 5 दे रहा है फ्रेंड, 5.4 मतलब पीसीबी कॉइल सेंसर सही है, कॉइल सेंसर को सिग्नल सही दे रहा है ये। अब चेक किए एयर सेंसर, 5 वोल्ट मतलब एयर सेंसर मतलब पीसीबी सही है, एयर सेंसर भी दे रहा है 5 वोल्ट
और आपका कॉइल सेंसर भी दे रहा है। अगर इस दौरान अगर आपका नहीं देता है फ्रेंड, अगर आपका 5 वोल्ट नहीं दे रहा है तो पीसीबी खराब है। अगर एयर सेंसर आपका प्रॉपर नहीं बता रहा है, रेजिस्टेंस घट नहीं रहा है ठंडा गर्म करने से, तो आपका सेंसर खराब है। तो फ्रेंड अगर आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो, तो हमें कमेंट में बताइए कि आपको समझ में नहीं आया या मेरे से कोई समझाने में दिक्कत हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड।